हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल किचन डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे चना दाल पकौड़ा कढ़ी। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कढ़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर हमने एक कटोरी चने की दाल ली है, जिसको हमने 5 घंटे पानी में रख दिया था और ये थोड़ी सी फूल गई है। एक कटोरी से थोड़ा कम दही लेंगे हम, 2 कटी हुई प्याज, थोड़े से लहसुन। मसालों में हम लेंगे मेथी दाना 1/4 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार और चुटकी भर हींग लेंगे। तो चलिए अब हम कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चने की दाल को हमें पीस लेना है। दाल हमारी पिस चुकी है, तो अब चलिए प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए, पेस्ट भी हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए पहले हम चने दाल की पकौड़ी बना लेते हैं। पकौड़ी बनाने के लिए हम थोड़ा सा अलग कटोरी में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा हमने अलग निकाल लिया है। अब इसमें हम नमक मिलाएंगे, थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, और इसको अब मिला देंगे। और इसका अभी हम बनाएंगे पकौड़ा। तो कढ़ाई हमने गैस पर रख दिया है। अब कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो चलिए पकौड़ी हम छान लेते हैं। हम कढ़ी के लिए पकौड़ी बना रहे हैं, तो इसीलिए हम छोटी छोटी पकौड़ी बनाएंगे। अब इसको हम पलट देंगे, क्योंकि एक साइड हमारी ये पक चुकी है। तो अब धीरे धीरे करके सबको पलट देंगे, दूसरी साइड भी पक जाए। ये देखिए, पकौड़ियाँ हमारी छन रही हैं। तो पकौड़ियाँ हमारी छन चुकी हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में कढ़ी बनाएंगे। उसके लिए हम इसमें जो थोड़ा तेल ज़्यादा है, थोड़ा तेल हम निकाल लेंगे। थोड़ा तेल निकाल लेंगे, क्योंकि तेल ये बहुत ही ज़्यादा है। अब गैस को हमें लो फ्लेम पे कर देना है। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे मेथी और हींग डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे पेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिलाएंगे। अब इस प्याज और लहसुन पेस्ट को हम थोड़ी देर भूनेंगे ऐसे चलाते हुए। ये देखिए, मसाला हमारा भुन रहा है अभी। और ये पिसी हुई जो दाल है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये वही हमारा दाल वाला पानी था जो मिक्सी में हमने पीसा था, उस मिक्सी में ही हमने पानी डाल करके और निकाल लिया है। अब दाल को हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा पानी और डालेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें हम दही डाल देंगे और मिला देंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वादानुसार।
अगर आपको गाढ़ा लगे तो पानी आप थोड़ा सा बाद में इसमें और मिला सकते हैं। और हमने इसमें थोड़ा सा पानी अभी और मिलाया है क्योंकि हमें ये ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था। अब इसको मीडियम फ्लेम पे लगभग अभी हम 10 मिनट तक पकाएंगे और इसे हमें ऐसे चलाते हुए पकाना है, ढककर बिल्कुल भी नहीं पकाना है। ऐसे ही अभी हम 10 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो लगभग 10 मिनट तक हो गए हैं हमें इसे चलाते हुए। अब इसमें हम पकौड़ियाँ डाल देंगे। अब गैस को हम लो फ्लेम पे कर देंगे और इसे अब हम ढक कर पकाएंगे। लगभग 5 मिनट तक पकाते हैं। अभी लगभग 5 मिनट और हो चुके हैं तो हम देख लेते हैं कढ़ी हमारी कितनी पकी है। अब हमें हाई फ्लेम पे लगभग 2 मिनट इसे और पकाना है ऐसे ही खोल कर। तो कढ़ी हमारी पक चुकी है और लगभग कढ़ी पकाने में हमें 20 मिनट का समय लगा है। तो गैस को अब हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए चना दाल पकौड़ा कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब आप लोग भी बनाइए और खाइए। और बरसात का मौसम तो चल ही रहा है और इसी बरसात में ये बनाएंगे तो खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।